हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो में देखा कि रोज़ की कटिंग कैसे लगानी है, तो उससे पहले ग्राउंड की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो आज देख लें। आप ग्राउंड में लगा रहे हैं, मिट्टी में, ज़मीन में, डायरेक्ट ज़मीन में लगा रहे हैं तो भी, और अगर पॉट्स में लगा रहे हैं तो भी ये चीज़ करनी ज़रूरी है। मिट्टी को ऐसे खोद के जो है, ग्राउंड में अगर लगा रहे हैं तो इस तरह से खोद के उसको मिट्टी को पहले सुखा लें। ये देख रहे हैं आप, मिट्टी पूरी सूखी हुई पड़ी है और एक हफ्ते से मैं इसको धूप लगवा रहा हूँ। और अगर पॉट्स में भी लगानी है तो पॉट की सारी मिट्टी एक बार निकाल के आप बाहर कर दें पुराने पॉट्स के, और उनको हफ्ता कम से कम जो है आप उनको धूप लगाएं। 7 दिन लगातार कंटिन्यू धूप पड़ने के बाद आप उसको चेंज भी करते रहें 2-3 दिन में, एक बार नीचे की मिट्टी ऊपर कर दें, तो उससे क्या है कि उसमें मिट्टी में पुराना कोई भी बैक्टीरिया वायरस है वो डेड हो जाएगा। 7 डेज़ में वो पूरी अच्छे से साफ हो जाएगी मिट्टी। उसके बाद आप उस मिट्टी में पानी लगा दें, अगर पॉट में है तो पॉट में भर के, थोड़ा मैन्यूर्स डाल के, जो भी आप वर्मी कंपोस्ट डालना चाह रहे हैं वर्मी कंपोस्ट डाल लें, काउडंग मैन्यूर डालनी है तो काउडंग मैन्यूर डाल लें आप। फिर उसके बाद आप उसमें पानी लगा के, पानी हल्का पानी लगाएं, ज़्यादा पानी नहीं लगाना, ठीक ठीक मात्रा में पानी लगाएं। पानी में बहुत कम मात्रा में फंगिसाइड जरूर मिलाएं। लास्ट वीक देखा होगा कि हमने ये कुछ रोज़ की कटिंग्स लगाई थी, आज उनकी प्रोग्रेस दिखा रहा हूँ। ये देखें, जो भी कटिंग लगाई थी ये उनमें से बड्स निकलने शुरू हो गए हैं विद इन 7 डेज़। आज 7वां दिन है और ये देखें, ये नए बड्स आने शुरू हो गए। ये उस दिन वाली वो अंगूर की कटिंग है, वो हिबिस्कस में देखें लीफ जो था काफ़ी बाहर आ चुका है जो, और ये देखें ये रोज़ की, ये वाले रोज़ में देखें जो बिल्कुल आड़ी टेढ़ी कटिंग थी उसमें काफ़ी अच्छे स्प्राउट्स आ गए हैं। ये देखें चार बर्ड्स निकल रहे हैं इसमें। ये देखें ये वाले रोज़ में देखें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। तो इस तरह से मिट्टी को पहले ट्रीट करके आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे।